अस्सलाम वालेकुम। जो टॉपिक है हमारा वो है गामा डिके। गामा डिके को सबसे पहले जो है वो पॉल विलेट, एक जो कि फ्रेंच केमिस्ट थे, 1900s में जो है इन्होंने इसको डिस्कवर किया था जब वो स्टडी कर रहे थे रेडिएशन एमिटिंग फ्रॉम रेडियम। तो उस दौरान इन्होंने इस प्रोसेस को जो है वो डेवलप किया। और ये प्रोसेस अगर देखा जाए तो सिमिलरली जिस तरह हमारे पास जो अल्फ़ा डिके होता है, हमारे पास बीटा डिके होता है, उसमें हमारे पास ऐसा होता ये है कि जो पेरेंट्स न्यूक्लियस होता है वो हमारे पास चेंज होता है इंटू डॉटर न्यूक्लियस, प्लस हमारे पास जो रिक्वायर्ड होता है अगर अल्फ़ा पार्टिकल, अगर अल्फ़ा डिके है तो उसमें हमारे पास क्या होता है, जो पेरेंट्स न्यूक्लियस जो होता है वो डिके होता है इंटू डॉटर न्यूक्लियस में, और साथ हमारे पास होता है अल्फ़ा पार्टिकल। और इसी तरह जो होता है वो अगर बीटा डिके में देखा जाए तो उस वहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि जो पेरेंट्स न्यूक्लियस होता है वो डिके होता है इंटू डॉटर न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन्स, जैसे जो इलेक्ट्रॉन मतलब हमारे पास जो होते हैं वो बीटा पार्टिकल्स होते हैं हम कहते हैं। और फर्दर डिटेल नहीं बता रहा अभी उसकी कि व्हाट इज़ अल्फ़ा डिके, बीटा डिके, वट एवर हमारा जो था गामा डिके। तो ये हमने सबसे पहले बता दिया कि किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और कब डिस्कवर किया था। और सबसे पहले जो मेन चीज़ जो अभी बताई थी मैंने सबसे पहले कि अल्फ़ा डिके और बीटा डिके में जब हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस जो है वो आते हैं तो उनके वो हमेशा जब भी अल्फा और बीटा डिके में जो हमारे पास जो डॉटर न्यूक्लियस थे वो तो हमारे पास होते हैं एक्साइटेड स्टेट में। तो डॉटर न्यूक्लियस की इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो फॉर पार्टिकल मिशन कर सकें, तो ये जो एनर्जी लॉस होता है वो थ्रो होता है, जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास होता है गामा डिके और इंटरनल पेयर कन्वर्जन। तो इसमें सिर्फ यही होता है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है टेक्नीशियम 9943 गामा रेज विद टेक्नीशियम ओरिजिनल। आप देखेंगे जो 90 इसमें जो गामा रेज में आप देखेंगे ना उसका चार्ज नंबर चेंज हो रहा ना उसका मास नंबर जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो स्मॉल है मैं ये शो कर रहा है कि ये जो है एक्साइटेड स्टेट में है। तो जब ये डिके होता है तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास गामा रेडिएशन मिलती हैं। तो गामा रेडिएशन जो है वो 00 ये शो कर रहा है कि इट हैज़ नो चार्ज नंबर एंड मास नंबर। सो सिमिलरली ड्यूरिंग गामा डिके क्या होता है कि मास एंड चार्ज नंबर डॉटर न्यूक्लियस का वो चेंज नहीं होता। और अगेन हमारे पास आप देखेंगे जो 99 यहाँ पे थे सेम एज इट इज़, 43 एज इट इज़ जो जब ये ग्राउंड स्टेट में है। तो होता ये है कि जब भी जो गामा रेडिएशन जो होती हैं ये प्रोड्यूस होती हैं थ्रो न्यूक्लियर ट्रांजिशन की वजह से, जिस तरह हमारे पास जो है वो एक्स रे प्रोड्यूस होती है वो भी ट्रांजिशन की वजह से होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से, जो एक्साइटेशन और डीएक्साइटेशन होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की होती है जो आउटसाइड होती है। और जो गामा रेडिएशन जो प्रोड्यूस होती है ये जो होती है न्यूक्लियर ट्रांजिशन की वजह से प्रोड्यूस होती है जो कि विद इन द न्यूक्लियस होती है। तो अगेन एज इट इज़ ये भी ट्रांजिशन है लेकिन ये क्या है विद इन द न्यूक्लियस है। तो हमारे पास सिमिलरली ये होता है कि जो हमारे पास ई आई है ये हमारे पास हाई एनर्जी स्टेट है और ई एफ जो है हमारे पास ये लोअर एनर्जी स्टेट है। तो ट्रांजिशन कब होती है, जब भी हाई कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब वो मूव करते फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल तो उसमें जो फोटोन जो है एमिट होते हैं वो एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी जो जो फोटॉन्स जो है वो एमिट होते हैं जब न्यूक्लियर ट्रांजिशन में, तो हमारे पास फोटॉन्स मिलते हैं और वो फोटॉन्स हमारे पास होते हैं गामा रेडिएशन। और जो मिशन गामा रेज रिक्वायर्ड होती है वो उनको टाइम जो रिक्वायर्ड होता है मिशन के लिए वो 10^-12 सेकेंड, और वहाँ पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो 10^-8 सेकेंड था इन टर्म ऑफ एक्स रेज जो कि न्यूक्लियर ट्रांजिशन से जो प्रोड्यूस हो रही थी। अब हम देखते हैं कि ड्यूरिंग गामा डिके होता क्या है। ड्यूरिंग गामा डिके में जो मास एंड चार्ज नंबर होता है डॉटर न्यूक्लियस का वो चेंज नहीं होता। तो अगर इसकी फर्दर इसकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास गामा रेज होती क्या हैं, तो गामा रेज हमारे पास जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं और ये ऑलवेज ट्रेवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट और 10,000 टाइम जो है मोर एनर्जी है देन विजिबल लाइट। 10,000 टाइम्स मोर एनर्जी दैन विजिबल लाइट होती है और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर होती है। इसका मतलब है कि इसकी फ्रिक्वेंसी जो होगी वो हाई होगी और अब फ्रिक्वेंसी हाई है तो इसका मतलब है इसकी एनर्जी भी जो है वो काफ़ी हाई होगी। और जो नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो पेनिट्रेटिंग पावर है। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो अल्फ़ा और बीटा
पार्टिकल्स से बहुत ज़्यादा होती है, और इनको स्टॉप करने के लिए जो है वो हमारे पास जो है वो एक लेड चाहिए होता है जो उसे जल्द स्टॉप कर सकता है। और जैसे अल्फ़ा की अगर देखा जाए पेनिट्रेटिंग पावर, तो वो जस्ट जो है वो पेपर में से ही बड़ी मुश्किल से पास नहीं कर पाती, और जो एल्युमिनियम से जो वो पास कर जाती है बीटा। और इसकी देखा जाए तो ये इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है, वो पेनिट्रेटिंग जो पावर है गामा रेज की, वो अल्फ़ा और बीटा से कहीं ज़्यादा है। और जो नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है कि एनर्जी ऑफ द ऑर्डर ऑफ MeV। इसकी जो एनर्जी हम इसको मेजर करते हैं वो MeV, और जो सी हमारे पास जो एक्स रेज होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से प्रोड्यूस होती है, उसकी जो एनर्जी होती है वो KeV के यूनिट से जो है वो मेजर की जा सकती है। तो ये बार बार इसीलिए एक्स रेज और गामा रेज को बार बार ये यूज़ इसीलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों प्रोड्यूस होती हैं बाय द आयन ट्रांजिशन से, ये दोनों प्रोड्यूस होती है। जो गामा रेडिएशन जो होती है, हम जो गामा रेज है वो हमारे पास जो है न्यूक्लियर ट्रांजिशन से, और जो एक्स रेज होते हैं वो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से प्रोड्यूस होती है। इसीलिए ये बार बार इसका जो था, और एक्स रेज का जो है वो ओरिजिनेट होती हैं वो आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, और इसी तरह जो गामा रेज होती है वो इनसाइड द न्यूक्लियस होती है, और जो एक्स रेज होती है वो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से, और जो गामा रेज होती है वो हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर ट्रांजिशन से प्रोड्यूस होती है। एक्स रेज जो होती है वो एनर्जी जो होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ KeV, और जो एनर्जी ऑफ द ऑर्डर ऑफ जो होती है MeV हमारे पास गामा रेज होती है। डज नॉट शो एनी रिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी हम टेस्टिंग करते हैं जो थ्री टाइप्स ऑफ जो रेडिएशन होती है हमारे पास, अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन, जब एक डिवाइस के थ्रू, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा उसका, बहरहाल जो भी, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास जो अल्फा रेडिएशन होती है वो दो हमारे पास एक एनोड एक कैथोड होते हैं डिवाइस में, हमारे पास जो टेस्टिंग डिवाइस होती है, बिकॉज दे डू नॉट कॉज बाई एनी एप्रिसिपल आयनाइजेशन। मतलब ये कि नो आयनाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस ड्यू टू दिस। सो कोई भी किसी टाइप्स की जो आयनाइजेशन नहीं होती, इसीलिए जो है ये जो गामा रेज है ये नो डिफ्लेक्शन शो करती है, मतलब गामा रेज हैज़ नो चार्ज, इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। लास्ट पे क्वेश्चन छोड़े जाते हैं कि व्हाई डू वी हैव आइसोटोप्स एंड रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। हमारे पास आइसोटोप्स जो है वो जनरेट क्यों होते हैं? तो अगर वो आइसोटोप जनरेट्स होते हैं तो फिर हमारे पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स क्यों बनते हैं? कि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट टेबल में, लेकिन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स बनने की क्या वजह है कि जो